पार्ट वन में ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ तक पहुंच चुके हैं इस जगह तक। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज ओडीसी और ओबीए। ओडीसी का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये ओडीसी और ओ बी ए, ये वाला ये समरूप त्रिभुज है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ दिया गया त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज, ओ बी ए यानी कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, डी का मतलब ये ओ डी सी बराबर किसके होगा, पोजीशन देखी जाएगी, डी बी है सी है वो ए के बराबर, तो ओ डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा ओ बी ए। और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ए के बराबर, इस वाले कोण ओ सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए बी। अब देखते हैं ये एंगल कितना है, 125, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये दिस वन, इसको अगर एक्स मान लें तो एक्स प्लस 125 इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, दैट इज 55 डिग्री। अब ये ओ सी डी को अगर अल्फा मान लें तो अल्फा प्लस एक्स और प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, 12 प्लस 55 प्लस 70 इक्वल्स टू 180, तो अल्फा इक्वल्स टू 180 माइनस 125। 125 माइनस करेंगे तो अगेन 55, तो अल्फा इक्वल टू 55 डिग्री। और अल्फा की वैल्यू किसके है, ए के बराबर, जितना सी है उतना ही ए है, क्योंकि एंगल कैसे दी, वो ट्राइंगल कैसे दिए गए, समरूप है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, ये भी हो जाएंगे 50 डिग्री, 55 डिग्री, जैसे 1100 इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये सभी कोण कितने हो जाएंगे 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, समलंब ए बी सी डी, ये है समलंब ए बी सी डी, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये प्रूफ करना है तुम्हें। वेरी इजी, जब लाइनें समांतर होती हैं इस तरह से, कोई लाइन अगर कट करे तो ये एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, यही यूज करना। अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, अगर इसको बीटा मान लें तो ये वाला होगा बीटा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होते हैं, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, त्रिभुज ओ ए बी, वाह त्रिभुज सी ओ डी में, ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ये बीटा है ये बीटा है, ये एक्स है तो ये एक्स,
यानी कि ट्रिपल ए कसौटी, यानी कि समरूपता है इसमें, यानी त्रिभुज समरूप है, लेकिन समरूपता लिखी कैसे जाती है? प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जो कोण दिए जाए उनको लिख लीजिए, अल्फा है, बीटा है और गामा है। फिर पहला त्रिभुज और दूसरा, अल्फा बना है कहाँ पर? बी पर, और बीटा है ए पर, बचा हुआ ओ। अब दूसरे त्रिभुज में अल्फा बना है डी पर, बीटा बना है सी पर, बचा हुआ ओ है। तो त्रिभुज डी ए ओ सेक्ट हो जाए, अनुपात में हो जाते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ, इक्वल्स टू हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। इन दोनों को बराबर लेना, तीनों बराबर हैं, लास्ट वाले दो उठा लें, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब इसको सही से लिखते हैं, ओ पर लिखते हैं, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, यही प्रूफ करना था। ये ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला चार नंबर क्वेश्चन, ये है डायग्राम। ये गिवन है इतनी चीज, और ये डायग्राम 6.36, कोण एक बराबर कोण दो, तो ये प्रूफ करना है त्रिभुज कैसे हैं समरूप। तो गिवन क्या है, क्यू आर ऑन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन यार। अच्छा, ये कोण बराबर क्यों दिए गए हैं, जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, जैसे ये अल्फा और ये अल्फा, तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, घुमा दिया क्वेश्चन सिर्फ। तो करते हैं सॉल्व फिर। गिवन क्या है इसमें, गिवन मतलब दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू आर। तो कोण एक बराबर कोण दो, तो कोण एक के सामने कौन सी भुजा है इस वाले त्रिभुज में? कोण एक और कोण दो इसमें है, इस वाले ट्रायंगल में। ये पी क्यू और आर, ये इस तरह से, तो कोण दो ये पूरा है इसके सामने भुजा ये, और कोण एक के सामने भुजा ये है पूरी पी आर। कोण एक के सामने है पी आर इक्वल्स टू है कोण दो के सामने है भुजा पी क्यू। तो ये समीकरण नंबर एक, तो ये पी आर की जगह पी क्यू लिख देंगे। तो समीकरण एक से क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन लिख देंगे पी क्यू,
और ये कोण एक है वो कॉमन है दोनों में, इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में कोण एक है जो कॉमन है। त्रिभुज ये पी क्यू एस का त्रिभुज पी टी आर में ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू टी आर है यहाँ पर, क्यू दोनों में है ना, इसलिए एक है क्यू पी एस कोण क्यू बराबर कोण क्यू दोनों में कॉमन है ये, और ये रेशियो इक्वल दिया गया क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो साइड एंगल साइड दो भुजाओं का रेशियो उनके बीच का, ये डायग्राम इस तरीके से बना है, ये दो भुजाएं इनके बीच का कोण, एक इस तरह से बना है, ये दो भुजाएं उनके बीच का कोण, साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज कैसे हो गए समरूप, यानी त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। PQR ये सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइव नंबर। पहले त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR बिंदु हैं S और T, कोण P बराबर कोण RTS, कोण बराबर है समझ लो भुजाएं बराबर, एक ही त्रिभुज में लेके होना चाहिए, तो डायग्राम बनाए इसका पहले तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो ये बोल रहा है पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर जो वाला पॉइंट कॉमन है उसे ऊपर रखो हमेशा, तो डायग्राम अच्छा बनेगा, पी आर रख दें क्यू आर रख दें पी आर और क्यू आर, इन पर बिंदु हैं एस और टी, तो इस तरह से कोई लाइन जा रही होगी, इसे ये बिंदु हैं एस और टी, कोण पी बराबर आर टी एस, ये है कोण पी इक्वल टू आर टी एस, ये वाला कोण अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये हो गया। अब ये आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज, आर टी एस ये छोटा वाला, इनको समरूप प्रूफ करना है, कैसे करेंगे समरूप, एस और टी इस प्रकार स्थित है, ये वाला कोण दोनों में कॉमन है, अगर इसको मान लें बीटा तो ये वाला कोण कितना होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ये पूरा बीटा ये अल्फा है तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ट्रिपल ए समरूपता है इसमें, और समरूपता लिखते कैसे हैं,
सबसे पहले कोण लिख लेते हैं, अल्फा बीटा और 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। पहला त्रिभुज कौन सा मान ले, ये ऊपर वाला मान लेते, वाला ऊपर। तो अल्फा बना है टी पर, बीटा कहाँ बना है आर पर, और 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बना है एस पर, यहाँ एस लिख देंगे। अब दूसरा मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, अल्फा कहाँ बना है पी पर, बीटा बना है आर पर, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बना है ये क्यू पर। तो त्रिभुज टी आर एस समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज हो जाएगा ये पी आर क्यू। अब इसको घुमा भी सकते हैं, ऑर्डर यही रहना चाहिए, टी के करस्पोंडिंग पी रहना चाहिए, आर के करस्पोंडिंग आर रहना चाहिए, एस के करस्पोंडिंग क्यू रहना चाहिए। इतना प्रूफ क्या करवाया गया, आर पी क्यू, आर पी क्यू, एक को तो फिक्स कर देते हैं, आर पी क्यू समरूप त्रिभुज। अब आर के करस्पोंडिंग कौन है, आर है, आर पी क्यू, पी है यहाँ, पी के करस्पोंडिंग कौन है यहाँ पर, टी, एक बचा सिर्फ एस, आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यस आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यही प्रूफ करना था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर नंबर हो चुका, फाइव नंबर हो चुका है, ये है आपका 6.37, इस वन ये प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज समरूप है। ए डी का मतलब बड़ा बार छोटा बार, तो ए बी सी पूरा ए से लेके ये बी और ये सी, मतलब एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ये है ए डी ई, एक है ए बी सी, इनको समरूप प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्वांग सम दिए गए हैं ए बी ई और ए सी डी, ए बी ई इस तरह से ए डी ई, ए बी ई इधर से ए बी ई और ए सी डी, ए सी डी दिया है, ए बी ई त्रिभुज, ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज, ए सी डी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं,
corresponding angle और corresponding side equal होते हैं, यानि AB equal to AC के, B equal to CD के, और AE equals to AD के, क्या करते हैं? अच्छा AD upon DB की वैल्यू निकालते हैं, AD upon AB, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 मान ले, ये 2 मान ले, 1 को तो ऐसा ही लिख दें AB equal to AC और इसको घुमा के लिख दें, इसको AD equals to AE, समीकरण एक और ये दो इनको डिवाइड कर दें, AB upon AD equals to AC upon AE, तो ये वाला कोण दोनों में कॉमन है, कोण A बराबर कोण A, अब AB upon complete side AD, AB upon AD equals to AC upon AE, तो ये एक समरूपता कौन सी हो गई, by side angle side, ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ADE समरूप त्रिभुज ABE, ABC